तुमने ऐसा क्यों किया? जी मैडम, आपको कहाँ जाना है? बी विंग्स E202 इधर ही पड़ेगा क्या भैया? हाँ, एक काम कीजिए मैडम, आगे जाके दाहिने हाथ मुड़ जाइए। थैंक यू। हाँ जी मैडम। मैडम आप कौन? जी मेरा नाम प्राची है, मैं यहाँ नहीं आई हूँ, मुझे E202 में जाना है। अच्छा हाँ, गुप्ता जी आपके बारे में बता रहे थे, चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। थैंक्स। मैडम लीजिए, आपका फ्लैट आ गया। थैंक यू। कोई जरूरत हो तो मुझे बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल। ओके थैंक यू जी। आप मुझे मैडम मत बुलाया करो, आप मुझे दीदी बुला सकते हो। ठीक है दीदी जी। वाओ, क्या घर है, गुप्ता अंकल ने जैसा कहा था वैसा ही घर दिलाया है। चलो मम्मी को फोन करके बताती हूँ। हेलो। हेलो बेटा। हाँ माँ। तो ठीक ठाक पहुँच गई ना? हाँ माँ, मैं ठीक ठाक पहुँच गई यहाँ पे। अभी पहुंची क्या? हाँ जी हाँ जी, आप परेशान मत हो। घर कैसा है? और गुप्ता अंकल ने बहुत अच्छा घर दिलाया है। अच्छा, और आपको पता है रोज का सामान सब कुछ यहाँ नीचे मिल जाता है। मुझे कोई भी जरूरत पड़ेगी ना तो मैं यहाँ नीचे से मंगा लूंगी। बहुत अच्छे बेटा, अपना ख्याल रखना। हाँ हाँ। टाइम पर खाना और बाहर की चीजें कम खाना, समझी? और आपको पता है यहाँ पे बहुत अच्छे गार्ड भैया भी हैं। अच्छा ठीक है बेटा। हाँ। लेकिन बाहर के लोगों से कम वास्ता रखना। हाँ जी। क्योंकि तुम अनजान शहर में गई हो तो अपना ख्याल तुम्हें खुद रखना होगा। तू समझी ना मैं क्या बोलना चाहती? हाँ। और मुझे फोन करना। हाँ माँ, परेशान मत हो। और आपको पता है मुझे कल कॉलेज जाने की तैयारी करनी है और ऑफिस की भी। ठीक है बेटा, पापा और मैं तुम्हें बहुत मिस करते हैं। चलो ठीक है, आपसे बाद में बात करूंगी। अच्छा बेटा ठीक है, बाय। अपना ख्याल रखना। अरे यही तो गया था मैं। ये कहाँ रहता है आजकल? पता नहीं यार, वो लड़की है ना उसी के पीछे पड़ा। अरे इसका तो काम ही यही है। नहीं यार, तू बता तो है। और मस्त हरियाणा। अरे अपने कॉलेज के टाइम पे भी ना इसका यही हाल था। ये तो मैंने भी देखा है। अरे कोई इसके, अरे नहीं यार ऐसा नहीं था। अभी प्रतीक, अभी ये तीसरी मंजिल पे कौन आया है? हाँ यार, पहले कभी नहीं देखा भाई। कमाल की लग रही है। नहीं अरे छोड़ना, होगी कोई इसे तुझे क्या? अबे तेरा क्या है, तेरे पास तो है इसीलिए तो इतना बोले जा रहा है। ऑटो भैया, ग्रीन पार्क में मार्केट चलेंगे। हाँ जी मैम आइए। ओके चलिए। भाई आज की क्या मूवी थी। हाँ यार, है ना? हाँ, मुझे भी बहुत अच्छी लगी। स्टोरी भी अच्छी थी, कमाल थी। हाँ, यार माइंड ब्लोइंग स्टोरी देखी तूने? भाई तेरे हाथ नहीं आने वाली, रहन दे तू। अरे यार तू भी ना, अबे ऐसी लड़की हाथ नहीं आती जल्दी से। हाँ भाई पता है मुझे, हमारी किस्मत कहाँ है ऐसी। जब जानता है तो पीछे क्यों पड़ा है। अरे छोड़ ना बातें ये सब, ये बता मूवी कैसे लगी? बढ़िया भाई, मजा आ गया।
नेक्स्ट टाइम तो साथ चलेगा। हाँ 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 क्यों नहीं, साथ चलेंगे ना। चल चल क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? हाँ बोलो। आप इस बिल्डिंग में शायद नहीं आए हैं, क्या आपका नाम जान सकता हूँ? क्यों, मैंने आपको देखा तो ऐसा लगा शायद आपका नाम पूछना चाहिए। मिस्टर देखो, जो भी हो तुम अपने काम से काम रखो। उस लड़की के बारे में तुझे पता है कुछ? हाँ यार, वो तो मुझे पहले से पता था। सीधी नहीं है वो, सही कह रहा तू। चल बाकी तेरी मर्जी। चल यार चलता हूँ। चलो क्योंकि चल चल। अरे अभी तो आया है, जा कहाँ रहा है तू? ओके ओके चल ठीक, चलो भाई चल भाई। हाँ हाँ चल फिर। ओके भाई बाय बाय। चल भाई ध्यान रखियो अपना भाई। ये भी बंदा मर गया, लाइफ दिया। सही कह रहा है भाई को देख, हमें क्या करना, हम तो बस वेले हैं। आगे रोज रोज यहाँ खड़े हो जाते। तू बता तेरी नई जॉब का कैसा चल रहा है? कौन सी जॉब? अभी ढूंढ रहा था ना तू। आज फिर आ रहा है, आज इसने कुछ कहा ना तो इससे मैं अच्छा। हाँ? ये तो चला गया, डर गया शायद। लड़की को छेड़ते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? कोई लड़की शहर में पढ़ाई करने आई है और तुम लोग उसे छेड़ रहे हो? यही सिखाया तुम्हारे घर वालों ने? रब बस बस, हम तो बस एक फ्रेंड की तरह बात कर रहे हैं, और तू है क्या बोलने जा रही है? क्या बात है? एक और आ गया। लड़की देखी नहीं होगा शुरू? अबे जरूरी है लड़की एक जैसी ही हो? अबे टाइम दे दो लड़की को समझने का, तब जाके बात करो उससे। रत तू कौन है भाई? एक तो ज्ञान दे ही रही थी, तू कौन आगा? अबे ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ मेरे भाई तुझे। सेम गलती की थी मैंने, और नहीं समझ आती ये लैंग्वेज तो बता दूसरी समझाऊं? कौन है तू? अरे क्या समझाएगा तू मन्ने? ये भी अजीब है, आया और चला गया। और प्राची तू उसे थैंक यू भी नहीं बोल पाई? उफ मैं भी ना। अच्छी हूँ, तू बता। हाँ बस अभी मैंने खाना खाया। हाँ तुझे पता है क्या, आज फिर एक लड़के ने मुझे छेड़ा। क्या बात कर रही हो? पता नहीं शहर अजीब सा है, हर कोई छेड़ने में फ्लर्ट करने में पता नहीं क्या मजा आता है। हाँ, शहरों में लड़के ऐसे ही होते हैं। हाँ यार पता है, तुझे संभल कर रहना होगा। तुझे पता है क्या, एक लड़के ने मेरी हेल्प भी की आज। अच्छा? पर मैं ना उसे थैंक यू भी नहीं बोल पाई। क्यों? इससे पहले मैं उसे थैंक यू बोलती पता नहीं कहाँ चला गया। चला गया तो फिर क्या हुआ? अरे बाबा शहरों में अच्छे लड़के भी होते हैं तो। ठीक है चल, बाय, गुड नाइट, कल बात करते हैं। ठीक है बाय। ठीक है बाय। प्राची हर लड़का गलत नहीं होता यार, शायद तेरी सोच ही गलत है। हाँ अगली बार जब वो मिलेगा ना तो मैं उसे सॉरी बोलूंगी। कैसे हो? सॉरी। अरे इसमें सॉरी कहने की क्या बात है? हाँ मैं भी अच्छी हूँ, सॉरी यार
उस दिन मैंने तुम्हें पता नहीं क्या क्या बोल दिया। I'm so sorry। अरे नहीं यार, गलती मेरी ही थी। मैंने ही जल्दीबाजी में तुमसे नाम पूछ लिया और नए माहौल में डर तो लगता ही है यार। हाँ, नहीं यार, मुझे भी तुम्हें मौका देना चाहिए था एक्सप्लेन करने के लिए। आई एम रियली वेरी सॉरी। वैसे मेरा नाम प्राची है। प्राची, नाइस नेम। यहाँ पढ़ाई करती हो? पढ़ने आई? हाँ, पढ़ाई करती हूँ और पार्ट टाइम जॉब भी करती हूँ। गुड। हाँ, तुम क्या करते हो? मैं एमबीए कर रहा हूँ। अच्छा, तो तुम एमबीए कर रहे हो और तुम यहाँ फैमिली के साथ रहते हो क्या? हाँ, और मैं आपको एक बात बोलूँ? हाँ। क्या मैं आपको छोड़ सकता हूँ? हाँ। क्या? क्या नहीं, हाँ, तुमसे बात करके ऑलरेडी मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ। मुझे ऑफिस छोड़ दो। बैठो। थैंक्स। क्या हुआ बाबू, तुम इतने परेशान क्यों हो? कुछ नहीं। क्या प्रॉब्लम है, मुझे बताओ। कुछ नहीं यार, ऐसे ही। हाँ? You know what? लोगों ने एक सोच बना रखी है कि लड़का जब किसी लड़की से रिश्ता बनाता है तो एक ही चीज के लिए बनाता है, और मुझे लगता है तुम मुझमें भी कहीं ना कहीं वही देख रही हो। प्राची, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हमारे बीच में जो होगा हमारी मर्जी से होगा। देखो यार, मैंने कुछ बोला और तुम्हें बुरा लगा तो आई एम सॉरी। मैं जानता हूं तुम ये सोच रहे होगे कि ये कैसा लड़का है, कैसी बातें कर रहा है ये, लेकिन यार मैं जानता हूं कि एक लड़की जब किसी लड़के को चाहती है ना तो वो उसे अपना सब कुछ मान लेती है, और जब उसे छोड़ के जाता है तो वो पूरी जिंदगी पछताती रहती है। प्राची, प्रतीक कितना अच्छा लड़का है ना, जैसा तुमने सोचा था वैसा नहीं है। प्रतीक मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? ऐसा क्या हो गया अचानक?
क्या करूं? एक बार और ट्राई करती हूँ। प्रतीक, कम ऑन, फोन उठाओ। प्रतीक, प्लीज पिक अप द फोन। प्लीज प्रतीक। कर दो, एक बार मेरा फोन पिक कर लो। प्रतीक का कोई कॉल या मैसेज तो नहीं आया ना? प्लीज यार प्रतीक, फोन उठाओ। क्या करूं, ये तो फोन ही नहीं उठा रहा। फोन तो उठा नहीं रहा है। बालकनी में जाके देखती हूँ, शायद अपने दोस्तों के साथ बाहर हो। डेली तो आता ही है। प्रतीक कहाँ गए, यहाँ भी नहीं हो। कुछ हो तो नहीं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी ना क्या क्या सोचने लगती हूँ। जाके इसके दोस्तों से पूछूं? नहीं नहीं, वेट करती हूँ। जहाँ से मैं ऑटो लेती हूँ शायद वहाँ आए। हाँ ये ठीक रहेगा।
हट गया है। ऑफिस भी नहीं जा पाए, ऑफिस में क्या बोलूंगी। और ये प्रतीक है, फोन नहीं उठा रहा है मेरा। क्या करूं समझ नहीं आ रहा है, किसको फोन करूं, किससे पूछूं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मेरी लाइफ में प्लीज प्रतीक अब तो फोन उठा लो। भाई विक्की के पार्टी में मजा ही आ गया। नहीं हाँ यार बहुत अच्छी पार्टी थी यार। एक्सक्यूज मी, आप लोगों ने प्रतीक को कहीं देखा है क्या, मुझे उसके बारे में बता सकते हो? प्रतीक? हाँ। तुम उसे कैसे जानती हो? वो सब छोड़ो, मैं कल रात से उसे फोन ट्राई कर रही हूँ, वो फोन पिक नहीं कर रहा। प्लीज मुझे बता दो इस वक्त वो कहाँ मिलेगा। प्रतीक इस पार्क को छोड़ के अगले वाले पार्क में हो सकता है, वहीं जाके देखिए, वहीं पे मिलेगा। इससे पीछे वाले पार्क में? इसी से पीछे। हाँ हाँ, आगे से राइट। ओके थैंक यू वेरी मच। ओके नो प्रॉब्लम। भाई लग रहा है प्रतीक ने सेट कर ली उसे। हाँ हाँ ये वही है। प्राची तुम समझते क्या हो अपने आपको? अरे हुआ क्या? तुम्हें नहीं पता क्या हुआ है, मैं कब से तुम्हें कॉल कर रही हूँ, ऑफिस नहीं गई 2 दिन से तुम्हारे चक्कर में। अरे पर बताओगी हुआ क्या? मैं कुछ नहीं जानती, बस चलो मेरे साथ। कहाँ? चलो अभी। अरे यार मेरे से ऐसी क्या गलती हो गई जो तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? नहीं यार, लास्ट में हम बहुत क्लोज आ गए थे, जो गलत है। इवन मैं तो इस लायक भी नहीं हूं, और मैं नहीं चाहता कि तुम कोई ऐसी गलती करो जिससे तुम्हें पछताना पड़े। मैंने देखा है लोगों को पछताते हुए। तुम्हें क्या लगता है कि मैं बच्ची हूँ? मैं जो कर रही हूँ सोच समझ के कर रही हूँ, और किसी भी इंसान को एक बार देखने से पता चल जाता है कि वो कैसा है। तुम्हें क्या लगता है जो हम कर रहे हैं क्या वो गलत है? नहीं यार प्राची, मैंने देखा है लोगों को, अपनी फैमिली फ्रेंड्स सबको, बहुत जल्दी में फैसला ले लेते हैं सब जिंदगी भर साथ रहने का, और फिर ब्लेम करते हैं एक दूसरे को पूरी लाइफ। और हम लोग को मिले टाइम ही कितना हुआ है, 2 हफ्ते। हम दोनों सिर्फ फ्रेंड्स हैं यार। क्या क्या कहा तुमने? क्या? वही जो तुमने कहा। क्या कहा यार? कि हम सिर्फ एक फ्रेंड्स हैं। हाँ, वही तो हैं हम लोग। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि तुम्हारे जैसे लड़के जिसकी इतनी अच्छी सोच है उसके साथ कोई लड़के सिर्फ एक दोस्त बन के रह सकती है? क्या बोल रही हो? ठीक तो हो? मैं सच बोल रही हूँ, मैंने बहुत सोचा, मुझे पहले पता भी नहीं था कि प्यार होता क्या है। जब लोग प्यार की बातें करते थे, इश्क मोहब्बत, ये सब मुझे टाइम पास और टाइम वेस्ट लगता था। लेकिन तुमसे मिलने के बाद, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के बाद, मुझे पता चला प्यार क्या होता है, और मुझे लगने लगा है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। क्या तुम बोल क्या रही हो? मजाक मत करो यार। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सीरियस हूँ, आई सीरियसली लव यू यार। मैं मजाक नहीं कर रही, मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ, I seriously love you प्रतीक। पागल, मुझे नहीं पता था तुम मुझसे इतना प्यार करती हो।
मैं भी करता हूँ तुमसे प्यार, और करता भी था। मैं डरता था यार, तो मुझे बाकी लड़कों की तरह ना समझ लो जो फायदा उठाते हैं प्यार का और सहारा लेते हैं प्यार का। मुझे पहले से पता था कि तुम ऐसे बिल्कुल नहीं हो, तुम बहुत अच्छे हो। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि तुम मुझे मुझसे बेटर जानती हो। आई लव यू प्राची। इतनी रात गए कौन आया? कौन? कौन है? हाँ? हाय। इतनी रात में? हाँ, अंदर तो बुलाओ। आओ। तुम इतनी रात में, सब ठीक तो है? हाँ, सब ठीक है। वो सब गए हैं ताऊ जी के यहाँ। तो पहले भी गए हैं, पर इस बार मैं रह नहीं पाया, पता नहीं क्यों, और चला आया तुम्हारे पास तुमसे मिलने। मिला है। आज नीचे जाके प्रतीक और प्रतीक के दोस्तों को सरप्राइज दूंगी, देखती हूँ उनका रिएक्शन कैसा आता है, मजा आएगा। भाई मेरा तो मन ही नहीं लग रहा है, मैं अब छोड़ने वाला हूँ। अरे क्यों छोड़ रहा है? सच में बता रहा है। अरे यार इतना टारगेट दे देते हैं यार। और भाई क्या हाल चाल है? तू कैसा है? और तू बता। और बता। वाह यार, तू तो बड़ा तेज निकला, हमें विलन बना के खुद हीरो बन गया। अमे यार विलन विलन कुछ नहीं होता है, लड़की कुछ ज्यादा ही सीधे थी। बहुत ज्यादा सीधी है वो, उसे सीधा लगा चाहिए था, मैं सीधा बन गया। हाँ? अरे प्राची। हाँ? प्रतीक तुम कब आए? ये तुम अभी क्या बोल रहे थे? क्या बोल रहा था? यही कि मैं एक सीधी साधी लड़की हूँ और तुम मेरे साथ मजाक कर रहे थे। अच्छा वो तुमने सुन लिया, चलो अच्छा हुआ। और वैसे मैं और नहीं चला सकता था। क्या तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम मजाक कर रहे हो ना? अरे यार प्राची मैं यहाँ पीजी में रहता हूँ और मैं तो तुम्हें देखते ही समझ गया था कि तुम सीधी लड़की हो, मेरे हाथ नहीं आने वाली, इसलिए मैंने सारा खेल रचा। खेल? कौन सा खेल? कम ऑन यार प्राची, तुम बड़ी लड़की हो, कोई बच्ची नहीं हो, ये बच्चियों वाली बातें क्यों कर रही हो? लड़का लड़की प्यार मोहब्बत का ड्रामा करते क्योंकि वो उनकी जरूरत होती है, ये सब बहाने हैं, गिव एंड टेक के, सिर्फ एक जरूरत होती है। सुनो तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना, ये सब सच नहीं है ना? कम ऑन यार प्राची, मजाक नहीं कर रहा हूँ, आई एम सीरियस। मैं पीजी में रहता हूँ, घर से दूर रहता हूँ, और ऐसा तो हो नहीं सकता घर से कोई लड़का दूर रहता और फन ना करता हो। वैसे भी जो फन लड़की के साथ है वो सिर्फ लड़की के साथ ही, और वो तो तुम समझ गई होगी। पीजी में? तुमने तो कहा था कि तुम अपनी फैमिली के साथ रहते हो। अरे यार तुम लड़कियों की एक प्रॉब्लम है, जब तक तुम लोग को रिलाई नहीं होता ना, तुम्हें पता नहीं होता लड़का अपनी फैमिली के साथ है, तब तक तुम उन पर यकीन नहीं करती हो। और अगर मैं बोलता हूँ पीजी में रहता हूँ, क्या तुम मुझे टाइम देती? क्या मतलब तुम मेरे साथ मजाक कर रहे थे, मेरी फीलिंग के साथ खेल रहे थे, और मैं पागलों की तरह तुमसे प्यार करने लगी थी? अरे यार तुम लड़कियों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, छोटी छोटी बातों पर बहुत रिएक्ट करती हो, और फिर ये आंसू। अरे लड़का लड़की मिले कुछ हुआ, ये सब उम्र की जरूरत है यार।
और ये बात तुम जितनी जल्दी समझ जाओ तुम्हारे लिए उतना अच्छा है। लड़का लड़की मिलते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते हैं, प्यार करते हैं, साथ रहते हैं, मन भरा तो छोड़ देते हैं। प्रतीक मुझे माफ कर दो, तुम उससे मजाक कर रहे थे और मैं तुम्हें समझ नहीं पाई और तुम्हें मैंने थप्पड़ मारा, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम भी प्राची, तुमने बिना हर बात इस लड़के को गलत समझा। जिंदगी में किसी को नहीं मिलता जो तुम्हें मिला है, करो कैसे मनाऊं उसे? मैंने उसे उसके दोस्तों के सामने इंसल्ट किया है, उसने फोन में स्विच ऑफ कर दिया है, पागल हो गई है तू? क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा, किससे बात करूं? मैसेज डालती हूँ, फोन ऑन करेगा तो उसे मिल जाएगा। प्रतीक प्लीज पिक अप माय फोन, आई एम सो सॉरी, उससे गलती हुई मुझे माफ कर दो प्लीज। क्या हुआ यार? विजय के साथ जो हुआ ना वो अच्छा नहीं हुआ। सुनो यार, मुझे भी बता ना। हाँ, तुम लोगों ने कहीं प्रतीक को देखा है? प्रतीक? हाँ। वो तो चला गया। चला गया? वो तो पीजी में रहता था, चला गया। वो तो उसी दिन चला गया जिस दिन तुम दोनों में झगड़ा हुआ था। प्रतीक ऐसा कैसे कर सकता है? वो मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। परदेसिया हर जाई मैनू बीच बजारा कला छड़ गयो, रोंद वेख के नीरो वेख के छड़ गयो। आवाज़ दो मेरी तन्हाइयों मेरा
साथ में रोती है मेरी आंसू की बूंदे रे, दिल क्यों तोड़ा साथ क्यों छोड़ा, मैं बस इतना पूछूं रे, तेरी तरह वादे भी तेरे थे सारे झूठे, बेखबर हूँ मेरी और जिस मोजा, बेखबर हूँ मेरी और जिस मोजा, अब मैं आईने में भी ढूंढूं खुद को कहां, तुम जितनी जल्दी समझ जाओ तुम्हारे लिए उतना अच्छा है। लड़का लड़की मिलते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते हैं, प्यार करते हैं, साथ रहते हैं, मन भरा तो छोड़ देते हैं। ये दीवारें मोहब्बत की गिरने लगी, मैं भी यादों में तेरी फिर से घिरने लगी, तेरी यादों का ना जाना होने लगा, मेरा मन बावरा फिर से होने लगा। ख्वाहिशें रह गई है अधूरी यहाँ, ख्वाहिशें रह गई है अधूरी यहाँ, ख्वाहिशें होंगी पूरी मेरी जाने कहाँ, जी वो तीसरी मंजिल पे जो एक लड़की एक साल पहले सुसाइड की थी, मेरी बीवी को बालकनी में दिखती है। हाँ, देखी तो थी वहां चलते, पता नहीं, लगता तो है कुछ। हाँ, हो सही सकता है। हाँ, मुरारी बता रहा था कि कोई लड़की यहाँ जलकर मरी थी। हाँ, मरी तो थी। हाँ यार अंकित, मैं पहुंच गया भाई बिल्डिंग के नीचे। चाबी किसे लेनी है मुझे और घर कौन दिखाएगा? ठीक है भाई, तो उसका नंबर मैसेज कर दे। हेलो, टेकचंद बोल रहे हैं? मैं मानव बोल रहा हूँ, फ्लैट दिखाना था ना आपको। हाँ हाँ, अंकित ने नंबर दिया होगा आपको। हाँ जी, मैं पहुंच गया हूँ। ठीक है, बाय। माना? हाँ, मैं टेकचंद। हाँ, आपको फ्लैट दिखाना था। हाँ भाई, फ्लैट दिखाना अंकित था। से बात हुई ना आपकी? बात हो गई है मेरी। चलिए, हाँ, मैं दिखाता हूँ आपको, बहुत अच्छा फ्लैट है, आइए मेरे साथ। जी चलिए। कितनी दूर है भाई यहाँ से फ्लैट? सर पास में ही है। अच्छा, नेक्स्ट विंग में। ओके। Thank you.
आपको पता है सर, इसमें लिफ्ट भी है सर। अच्छा भाई, इसमें लिफ्ट भी है। आपको स्टेज से जाने की जरूरत नहीं है। रूम नहीं दिखा रहा क्या तू मुझे? अरे सर आप पहुंचो तो, मैं आ रहा हूँ, पीछे पीछे आ रहा हूँ। आप तीसरा दबाना, तीसरा ऊपर पहुंच, थर्ड फ्लोर। हाँ जी सर। हाँ और सर कोई बात हो और कोई काम हो तो बता देना। ठीक है भाई, मैं बता दूंगा। ओके ओके सर, बाय। तो अच्छा है मगर अजीब सा अकेलापन है यहाँ, कुछ तो है यहाँ। खैर छोड़, अपने राइटर करेक्टर से बाहर आ और अंकित को कॉल कर, पता नहीं कब आएगा वो। हाँ भाई अंकित, कहाँ है यार तू? अरे यार बस मीटिंग में हूँ, तू पहुँच गया? हाँ भाई मैं तो घर पे पहुँच गया हूँ, तू कब आएगा ये बता यार। अभी मीटिंग में हूँ, मैं शाम को आऊंगा, तू ठीक तो है ना? हाँ ठीक हूँ, मतलब मैं तो ठीक हूँ भाई। अरे चल चल बाद में बात करते हैं। हाँ हाँ ओके बाय। मैं ठीक हूँ, उसने ऐसा क्यों पूछा? साले कहाँ था? सॉरी 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 यार। अब आया सुबह से तू? तुझे पता तो है मेरे बॉस का, साले ने एंड टाइम पे काम पे लगा दिया यार। तेरा बॉस? चल अंदर आ। नहीं नहीं यार चलते हैं। क्या हुआ? बियर लेके आया हूँ, दोनों साथ में छत पे पियेंगे। तो भाई यहीं पी ले। अबे छत पे पीना यार, मजा आएगा, मौसम बड़ा मस्त हो रहा है, चलना। तू भी ना भाई, सुधरेगा नहीं। जल्दी चल। अबे जल्दी आ, नहीं गर्म हो जाएगी बियर, जल्दी चल चल। अब बता यार क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है? भाई मेरे एक फ्रेंड के चाचा हैं, वो एक फिल्म प्रोड्यूस करना चाहता है। अच्छा, तो मैंने तेरा नाम बताया। ठीक है, तो कल सुबह तैयार हो? ओके, कल उनके पास चलना है। ठीक है कल सुबह, चल चल देंगे। पर एक बात बताओ, उन्हें किस टाइप की मूवी चाहिए? अरे वो छोड़, तेरी स्टोरी और स्क्रिप्ट तैयार है ना, जिसपे फिल्म बन सकती है? ऐसी है तो मेरे पास दो तीन, पर उन्हें पसंद आए ना आए। पर उनकी मूवी का क्या बजट है? यार पार्टी तो पैसे वाली है, बिल्डर है बिल्डर। अच्छा, लेकिन पहली फिल्म है ना, तो लो बजट में ही बनाएगा। तो अपना बता दियो, तो अपनी स्टोरी सुना दियो, अपना बजट बता दियो, सही लगेगा, करते हैं। ओके छोड़ते हैं यार। चल ठीक है, कल सुबह चलते हैं फिर। तो 9:30 बजे तैयार रहियो, मैं तेरी बिल्डिंग के नीचे आ जाऊंगा। ठीक है, मेरी गाड़ी में मेरे साथ चलना है। ओके। साले एक बात बता, ये घर है ये भूत बंगला? पहले जिससे पूछता हूँ उसका रिएक्शन चेंज हो जाता है। घर में घुसते ही ऐसा लगा कि कोई गला दबा रहा है, अजीब सी नेगेटिविटी है इस घर में यार। भाई तुझे एक बात बताऊं? बता। इस घर में ना एक लड़की ने आत्महत्या की थी। क्या क्या कह रहा है भाई? भाई मजाक नहीं कर रहा, सही कह रहा हूँ। जब मैं यहाँ आया था, यहाँ कहते थे कि यहाँ ना कोई रहने आता है, ना इसे कोई खरीदता है, और साला जो भी आता है वो भी भग जाता है। तो भाई बुरा मत मानियो, इतना सस्ता मिल रहा था कि मैं मना ही नहीं कर सका। तू भाई सस्ते के चक्कर में मरवाएगा मुझे? भाई देख तुझे बुरा लग रहा है ना, तो कल ही तेरा रूम चेंज करा देता हूँ, बता। अरे मजाक कर रहा हूँ यार, ऐसा कुछ नहीं है यार, ये भूतूत कुछ नहीं होता है। मैं मजाक नहीं कर रहा यार। मैं भी मजाक नहीं कर रहा भाई, अरे कुछ नहीं होता यार ये भूत सब, मैं देख लूंगा कोई दिक्कत नहीं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा भाई, भूत दोस्त बन जाएगी मेरी, नहीं तो मुझे एक नई स्क्रिप्ट मिल जाएगी, और क्या, अच्छा ही होगा। चल फिर कल सुबह मिलते हैं, चलते हैं कल। ठीक है। सुन सुन, अपने स्क्रिप्ट और नरेशन पे ध्यान दियो, ठीक है? प्रोड्यूसर बहुत अच्छा है, चला। जी सर। एक्सक्यूज मी मैडम, वो हंस जी से मिलना है। जी वो आने वाले हैं, आप ज़रा वेट कीजिए, मैं आपको मिलवाती हूँ। आ बैठते हैं यार। हेलो
प्लीज कम सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग काका। एक्सक्यूज मी सर, मिस्टर अंकित आए हुए हैं मिलने आपसे। ओके। गुड मॉर्निंग सर। 5 मिनट के बाद मेरे रूम में भेज दीजिए। टुडे आई एम वेरी बिजी यार। ओके सर। आई हैव टू फोकस ऑन टुडे। हां हां, आज ही कर देंगे। डोंट टेक अदर असाइनमेंट। ठीक सर। आज का क्या शेड्यूल है सर? Anything, you do one thing. We will discuss over the dream project. You come with the files along with the other documents. Okay, do it. Be quick within 15 minutes. ठीक है सर, मैं full project की file लेके आता हूँ. Be quick. Hello. Akang sir. Yes sir. Ankit को अंदर भेजो. ठीक है सर, मैं भेजती हूँ. Please, okay. मिस्टर अंकित, आपको सर ने बुलाया है, आप अंदर चले जाइए। कम इन। यस यस, प्लीज कम इन। हेलो सर। हेलो। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। हैव अ सीट। थैंक यू सर। बताइए, आप में से अंकित कौन है? सर मैं अंकित, आपको बताया होगा राहुल ने मेरे बारे में, और ये मेरा फ्रेंड मानव, ही इज अ राइटर। ओके, ग्लैड टू सी यू। और आप? जी सर। शहर में नए आए हो शायद? यस सर। राहुल ने बताया था मुझे आपके बारे में कि आप कल ही दिल्ली आए हो। हाँ, तो बताओ कुछ अपने बारे में। व्हाट इज योर एक्सपीरियंस एंड व्हाट हैव यू रिटन सो फार, व्हाट आर योर अचीवमेंट्स? मैं राइटर हूँ एक, और काफ़ी मूवीज लिखी है मैंने, एक नॉवल लिखी है मैंने, और दो शॉर्ट स्टोरीज भी है मेरे पास। आप बताइए आपको किस टाइप की मूवीज चाहिए, कैसी स्क्रिप्ट चाहिए? आप बताइए आपने किस टाइप की स्टोरी लिखी है, और क्या आई वॉन्ट अ न्यू कंसेप्ट? क्या क्या लिखा है, एक स्टोरी सुनाता हूँ मैं आपको। एक हॉरर स्टोरी है वो सर। स्टोरी ऐसी है कि एक दो ड्रामा स्क्रिप्ट है मेरे पास, फाइटिंग स्क्रिप्ट्स भी है, ये सब है। मानो जो भी आपने स्क्रिप्ट सुनाए हैं बहुत बढ़िया हैं, आई अप्रिशिएट। लेकिन मुझे एक बात बताइए, जो मैं एक चीज देख रहा हूँ वो आपके स्क्रिप्ट में मुझे नहीं मिल पा रही है, खासकर ये मार धाड़, ये सब कुछ बोर हो चुके हैं। मैं एक लव बेस्ड मूवी दिखाना चाहता हूँ, और वो मूवी ऐसी होनी चाहिए जो सोसाइटी को एक मैसेज दे, जो यूथ में एक अवेयरनेस पैदा करे, और बच्चे लोग इसको अपने ठीक ठाक समझें, क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है। और सो थिंक पॉजिटिवली, व्हाट इज रियल लव, लव होता क्या है? सर लव स्टोरी मैं लिख तो दूंगा, पर उसके लिए मुझे काफ़ी टाइम चाहिए, क्योंकि लव स्टोरी काफ़ी कुछ सोचना होता है, काफ़ी कुछ समझना होता है, काफ़ी बारीकियाँ होती हैं उसमें। क्योंकि जब तक वो बारीकियाँ समझ में नहीं आएंगी, एक अच्छी लव स्टोरी नहीं बन पाएगी। नो प्रॉब्लम। क्या टाइम चाहिए, कितना टाइम चाहिए आपको? उसके लिए मुझे एक महीना चाहिए, ताकि मैं एक अच्छी स्क्रिप्ट लिख सकूं, और मैं आपको मिलता हूं एक महीने बाद, और उसके बाद मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा सर, एक अच्छी स्टोरी दूंगा मैं आपको सर। नोट इशू, आप अपना टाइम लीजिए, फ्री सोचिए, आप अपना काम कीजिएगा, और अपने आप रहने सहने का छोड़ दीजिएगा। आई विल टेक केयर फॉर देट। ठीक है, डोंट वरी, एंड ऑलवेज ऑल द बेस्ट टू यू। वट एवर थिंग यू रिक्वायर फ्रॉम मी, यू आर ऑलवेज वेलकम। ठीक है सर, हम फिर चलते हैं। मैं शाम को राहुल से बात करके इस मीटिंग के बारे में उसको बताऊंगा। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। तू सही है साले, पहली बार में प्रोड्यूसर को इतना इंप्रेस कर दिया। राहुल का फोन आया था मेरे पास। अच्छा, वो कह रहा था कि कुछ भी हो बंदे में बात है भाई। अच्छा। सच में यार बड़ा इंप्रेस है तेरे से। ऐसा तो कुछ किया ही नहीं यार, छोटी सी स्क्रिप्ट सुनाई है मैंने अपनी। पता नहीं यार, लेकिन इम्प्रेस है। अच्छा, या तो तेरे कॉन्फिडेंस को देख के इम्प्रेस है, या तेरी स्टोरी से। हो सकता है, वैसे तेरे प्रोड्यूसर का नॉलेज काफी है इंडस्ट्री की। यार पैसे वाला है, वुड बैट भी अच्छों के साथ है, तो नॉलेज तो होगी ना। हाँ सही नॉलेज है उसके पास, तभी कहा है एक लव स्टोरी लिखने को। देखते हैं अब एक लव स्टोरी लिखते हैं क्या होता है। कौन सी बड़ी बात है यार, तू लिख लेगा यार। तू समझ नहीं रहा, बड़ी बात तो नहीं है ये, बात एक ये है यार, ये टॉपिक प्यार का है यार, प्यार को समझना पड़ता है, उसमें छोटी छोटी बारीकियां होती हैं यार। महीने भर का टाइम भी तो दिया है ना।
टाइम तो दिया है यार, पर एक चीज है ना यार, लव स्टोरी में जब तक घुसोगी नहीं ना, तब तक तुम्हारी कुछ समझ में नहीं आएगा, लिखने में भी मजा नहीं आएगा। भाई मुझको तुझ पे पूरा भरोसा है, तू कर लेगा यार। लिख तो मैं दूंगा ही, पहले एक काम कर, उससे पहले तू मुझे दिल्ली घुमा। पक्का भाई, दिल्ली भी घूमेंगे और मजे भी करेंगे। चीयर्स। एक काम और कर यार, मुझे फ्लैट भी दिला। उसने कहा फ्लैट बताया प्रोड्यूसर ने, कहां पे दिलवा रहा है फ्लैट। फ्लैट की बात हो गई मेरी, तो देखते हैं। वो अच्छा एक है बंदा, उसके पास चलते हैं, देखते हैं। चल देख लेते भाई फ्लैट कैसा है। सर नमस्ते। नमस्ते। टेक चंद ने भेजा है। हाँ जी, हाँ जी। दूध वाला। दूध वाला? हाँ। कितने का दिया है दूध फिर? सर कौन सा चाहिए आपको दूध? कौन सा दूध चाहिए, मतलब पीने वाला चाहिए या चाह वाला चाहिए? चाय वाला या? सर आप पढ़े लिखे लोग ही तो बोलते हो, फुल करीम और टांड। हाफ हाफ लीटर दे दो दोनों। हाँ ओके, ठीक है भैया। सर पैसे? पैसे? हाँ जी। पैसे महीने में देंगे ना? नहीं सर, वैसे भैंस तो डेली चारा खावे है, डेली दूध देवे है, तो पैसे भी तो डेली देने पड़ेंगे। ठीक है मैं लाता हूँ। कितने देने हैं पैसे? 50 रुपया सर। 50 रुपए? ये लो भैया पैसे। जी बाबू जी। आज की ताजा खबर सुपरमैन के साथ साहब। नमस्ते। नमस्ते। अबे क्या कर रहा भाई, अभी तो दूध दे के गया था, इतनी जल्दी गेटअप चेंज करके न्यूज़पेपर वाला बन गया? सर खा गए ना धोखा, अच्छे अच्छे लोग चकमा खा गए। मैं दूध वाले का जुड़वा भाई हूँ छोटा। उन्होंने ही बताया है मुझे कि आप यहाँ नए नए शिफ्ट हुए हो, न्यूज़पेपर चाहिए सर। आजकल फिल्मों में हमने देखा है, क्यों पका रहा है? तब तक बड़े लोग पेपर लेकर अंदर नहीं जाते हैं, तब तक उन लोग की नहीं उतरती है सर। क्योंकि मैं भी अक्सर फिल्मों में देखता रहता हूँ कि उन लोगों को वहाँ नए नए आइडिया आते हैं सर। मेरा भी दिमाग वही काम करता है, मैं भी बिजनेस के बारे में सोचता रहता हूँ। सर एक बात पूछूं? पूछो पूछो। वहाँ बैठ के आप लोगों का कैसे दिमाग चलता है? ठीक है भाई, इस बारे में तेरे को मैं बाद में समझाऊंगा, अभी मैं बहुत बिजी हूँ। पेपर दे दो, कल से टाइम से डालना पेपर। अच्छा थैंक यू सर। ओके ओके सर। जलने की बदबू कहां से आ रही? दूध तो मैंने सिम पे रखा था। अबे दूध ही है ये। क्या गैस तो मैं कम पे करके गया था, ये दूध कैसे निकल गया? शायद मेरी ही गलती है। अरे ये क्या है? दूध मेरी गलती हो सकती है, बट प्रेस तो मैं सीधी रख के कहता है, मेरी टी शर्ट कैसे जल सकती है? यार ये हो क्या रहा है यार, तू वैसे क्या क्या हो रहा है यार मेरे साथ? हेलो, कैसा है उदित? और कैसा है यार, बहुत दिनों बाद है। ठीक हूँ, तू बता कैसा है? आ बैठ। हाँ
अबे यार ठीक है ठीक है। एक्सक्यूज मी। जी सर। हेलो सर। हाँ सुनो कैपेचिनो चॉकलेट एंड क्रीम। बस ठीक है काफी है। ओके सर ठीक है सर। ओके बी क्विक। हाँ यार उसी के लिए आया हूँ। एक प्रोड्यूसर है दिल्ली में जिसे मैं मिला हूँ। उसने बोला है कि मैं तेरे साथ काम करना चाहता हूँ। जब से उसने मेरी स्क्रिप्ट सुनी है ना तब से वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है कि तेरे साथ काम करना है। अच्छा करूँगा तो तेरे साथ। काफी दिनों बाद एक साथ रेस्टोरेंट में बैठे हैं। हाँ यार अच्छा लगा। यार मैं चलता हूँ। आ रहा है तू इस तरफ? नहीं यार। आ जा यार क्या बात कर रहा है। आ जा मेरे पे टाइम पास हो जाएगा तेरे साथ। आ जा। ओके चल चल। और वहीं छोड़ दियो मुझे पास में। ये कैसे हो गया यार? कोई चोर आया था क्या? मगर सामान तो सारा यही है तो फिर ये किसने किया है? हाँ अंकित ने बताया तो था कि यहाँ कोई आत्मा है मगर ये आत्मा ऐसा क्यों करेगी? कहाँ गया वो फोल्डर? हाँ ये रहा। ये कब अपने आप कैसे गिर गया? और ये 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 परछाई किसकी है? कौन है वो? लैपटॉप तो मैंने बंद करा था ये खोल किसने दिया? ये लैपटॉप ऑन है? ये फाइल डिलीट कैसे हो गई यार? अपने आप कैसे फाइल डिलीट हो गई? किसी ने मेरे लैपटॉप को छेड़ा है क्या? मगर मेरे अलावा तो कोई है ही नहीं इस घर में। मानव तेरा दोस्त सही कह रहा था तेरे से, कोई ना कोई है इस घर में। अजनबी शहर में एक रास्ता, अजनबी शहर में मैं ढूंढूं एक रास्ता।
रास्ता वो रास्ता मिल जाए जहाँ गम मेरे मुस्काए है काश यूं हो जाए ये हवा मेरे संग गाए नमस्ते भाभी जी। नमस्ते, क्या आप यहाँ नए आए हो? हाँ जी मैं नया आया हूँ। क्या करते हो? मैं राइटर हूँ, एक मूवी स्क्रिप्ट लिखता हूँ। कितने दिनों के लिए आए हो आप? मैं एक महीने के लिए यहाँ पर हूँ। शिवम। हाँ। क्या कर रहे हो? खेल रहा हूँ। किसके साथ? प्राची दीदी के साथ। क्या? भाभी अरे ये भाभी को क्या हुआ? और ये बच्चा खेल किसके साथ रहा था? इस लड़के में ऐसा क्या है? इससे पहले जो भी लोग आए हैं, एक दिन दो दिन या हफ्ते भर में छोड़ के चले गए मेरी वजह से, बट ये कैसा लड़का है? जाता ही नहीं, जब देखो काम में लगा रहता है। जो मैं करती हूँ उस पर ध्यान ही नहीं जाता, इसका रिएक्ट ही नहीं करता। आखिर मजरा क्या है? उसके आने के बाद ही पता चल सकता है कि आखिर वो करता क्या है। देखो तो सही इसमें लिखता क्या है। ओ ओ, तो पासवर्ड डाल रखा है। खैर साहब का इंतजार करती हूँ। प्यार जिंदगी का
वो तोहफा है जो किस्मत वालों को मिलता है। प्यार जिंदगी का सार है। इस दुनिया में अगर प्यार ना हो तो ये दुनिया नहीं होती। मगर दुनिया ने प्यार के अलग अलग मायने बना रखे हैं, जिसकी वजह से आज दुनिया में प्यार कहीं खो गया है। प्राची, ये लड़का वैसा नहीं हो सकता। इसकी सोच इतनी अच्छी है तो उसको बेवजह परेशान कर रही है। इसको परेशान मत कर, इसकी हेल्प कर। ये भी तेरी तरह इस शहर में सपने लेके आया है। इसलिए शायद ये मेरी बातों पे रिएक्ट नहीं करता। ये रूम किसने साफ करा है? मैं तो सब ऐसे ही छोड़ के गया था। ये कपड़े किसने ठीक किए? मेरे अलावा इस घर में कोई है ही नहीं। कुछ ना कुछ तो है घर में। अरे कब रोज गिरता था, आज क्यों नहीं गिर रहा है? कब कॉफी पहले से बनी हुई थी किचन में, जैसे जैसे किसी ने मेरे लिए बनाई हो। इस तरह से तू यहां पे काम नहीं कर पाएगा। कुछ तो सोच इससे बाहर निकलने का आइडिया। मुझे पता है कि तुम मेरे आसपास हो। मैं तुम्हें पहले दिन से ही महसूस कर रहा हूँ। मैं देख रहा था कि तुम मेरे साथ कुछ ना कुछ गलत कर रही थी, और कल से मेरे साथ सब ठीक है, सब ठीक हो रहा है। पहले जो सब गलत हो रहा था आज सुबह से सही होता जा रहा है, और वो हो रहा है जो मैंने कभी सोचा नहीं था। कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो, तुम चाहती क्या हो, प्लीज़ मुझे बता दो, वरना मैं अपने काम पर ध्यान नहीं लगा पाऊँगा। मैं बहुत सपने लेकर दिल्ली आया हूँ, और बहुत मुश्किल से मेरी लाइफ में एक मौका मिला है काम करने का, और जब तक मुझे नहीं पता चलेगा कि तुम क्या चाहती हो, तब तक मेरा दिमाग काम पर नहीं लग पाएगा। प्लीज़ हेल्प मी, कौन हो तुम?
प्राची क्या लिखा है इसने? देखती हूँ, शायद इसके बारे में कुछ पता चल जाए। शायरी लिखी हुई है, वही लड़कों की पुरानी आदत। कितना अच्छा लिखा हुआ है। मुझे पता है कि तुम मेरे आसपास हो, मैं तुम्हें पहले दिन से ही महसूस कर रहा हूँ। मैं देख रहा था कि तुम मेरे साथ कुछ ना कुछ गलत कर रही थी। जवाब दूं या ना दूं, क्या ये सही होगा या नहीं? हाय, मेरा नाम प्राची है। मुझे माफ करना क्योंकि मैंने तुम्हें इतने दिनों से परेशान किया है और मैंने तुम्हारा काफ़ी नुकसान भी किया है। मैं यहाँ एक साल पहले आई थी, मुझे अनजाने में एक लड़के से प्यार हो गया और मुझे नहीं पता था कि वो मेरे साथ खेल रहा था। उसने मुझे धोखा दिया, मेरे विश्वास को तोड़ा, जिसके कारण मैंने इसी घर में अपनी जान दे दी। ये मत सोचना कि मैंने अपनी जान उस लड़के की वजह से दी है। मुझे मेरे माँ बाप ने बहुत ही विश्वास से और बहुत ही दिक्कतें झेलने के बाद यहाँ इस दिल्ली जैसे शहर में भेजा था, और यहाँ आने के बाद मेरी एक छोटी सी नासमझी ने उनका विश्वास तोड़ दिया। ये विश्वास तोड़ने के बाद मैं उनसे नज़रें नहीं मिला सकती थी, और इसलिए मैंने अपनी जान देने का फ़ैसला किया। और रही बात यहाँ रहने की, तो इस घर से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। वो यादें जो एक छोटे से टाउन से आए हुए लड़के के लिए बहुत मायने रखती है। तुम एक राइटर हो और समझ सकते हो कि हर इंसान को उसका पहला पल हमेशा याद रहता है जो उसने अपने घर से बाहर बिताया हो। घर से बाहर रहना, जॉब करना, मम्मी पापा का विश्वास और पहली बार किसी से प्यार होना, ये सब वो अपने साथ जीती है। मेरा वो हर एक पल इस घर के साथ जुड़ा हुआ है और मैं इसे छोड़ के नहीं जा सकती, इसे मैं भूल नहीं सकती। इसी वजह से मैं इस घर में आज भी रहती हूँ। तुमसे एक इजाज़त चाहती हूँ, क्या मैं इस घर में तुम्हारे साथ रह सकती हूँ एक अच्छी दोस्त बन के? प्राची, वी आर फ्रेंड्स नाउ। मानव आ गया। ये क्या लाया ये? शायद कोई पार्टी।
कोई आने वाला है। और ये क्या है? केक? मानव का बर्थडे है क्या? क्या लिखा है? हैप्पी बर्थडे प्राची। ये क्या? ये पागल तो नहीं है? कोई किसी का जीते जी बर्थडे नहीं मनाता, और ये मेरे मरने के बाद मेरा बर्थडे। तू कितनी अनलकी है प्राची, जो तुझे जीते जी मिलना चाहिए था वो तुझे मरने के बाद मिल रहा है। कोई किसी का ऐसे मरने के बाद भी बर्थडे मनाता है क्या? कितना इनोसेंट है। जा प्राची, जो प्यार तुझे जीते जी नहीं मिला वो मरने के बाद मिल रहा है। जा जा उसे जी ले। आई लव यू मानो, आई लव यू सो मच। क्या लिखूं इस सीन के बारे में? कुछ नया समझ नहीं आ रहा। हाँ, ये किसने छुआ मुझे? लगता तुझे वहम हो गया। लगता तूने ज्यादा पी लिया है। तेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। अब जा सो, कल सुबह फ्रेश मूड से काम करियो। Thank you.
मेरे कपड़े? ये क्या हुआ तेरे साथ मानव? तेरे कपड़े किसने उतारे? मानो सॉरी, मुझे माफ कर दो। कल तुम्हें अकेले देखने के बाद और तुम्हारी प्यार भरी बातें पढ़ने के बाद पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और अपने वो खास पल तुम्हारे साथ बिना तुम्हारी इजाजत के शेयर कर लिया, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। और मैंने अपनी जिंदगी के वो पल तुम्हारे साथ शेयर किए जो मुझे नहीं करने चाहिए थे। और ये सब करने के बाद कल रात से मैं अपने आप से नजरें नहीं मिला पा रही हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना मानो। प्राची, मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानता, मगर हाँ, जितना मैंने लाइफ को जिया है और जाना है, मेरी नज़र में ज़िंदगी के ये पल जीने के लिए आपको कोई रिश्ते की ज़रूरत नहीं है। और कोई इंसान ये पल उस इंसान के साथ शेयर करता है जिसे वो प्यार करता है या जिस पे वो विश्वास करता है। हाँ, ये तब गलत होता जब चीज़ें किसी को झूठ बोल कर या किसी के साथ जबरदस्ती की जाए, और मेरी नज़र में ये गलत नहीं है। और प्लीज़ तुम गिल्टी फील मत करो, वो तब करना जब मैं तुमसे शिकायत करूँ। ये वो पल हैं जो तुमने मेरे साथ अपनी खुशी से बिताए हैं। जी ले लम्हों को
बसाएंगे हम गाय जमीन आसमान, बस तू ही है मेरा जहां, गाय जमीन आसमान, बस तू ही है मेरा जहां। क्यों बेजुबान है मेरी धड़कन यूं इकरार में, हल्की सी ख्वाहिश जगी मेरी इस बहार में, अच्छी स्क्रिप्ट है, मानो ये फिल्म अच्छी बनेगी। ये क्या लिख रहे हो मानो, प्यार नाम की कोई चीज नहीं होती इस दुनिया में, सिर्फ होती है तो शरीर की डिमांड, और इस डिमांड को पूरा करने के लिए लोग प्यार का सहारा लेते हैं। प्यार व्यार कुछ नहीं होता इस दुनिया में, ये क्या लिख रहे हो तुम, होश में तो हो, इतनी अच्छी स्क्रिप्ट है ये, क्या लिख रहे हो तुम, होश में आओ मानो। जिंदगी में सिर्फ दो लोगों से प्यार किया है, एक वो जिसकी वजह से मैंने अपनी जान दी, और एक तुम। मैंने अपनी जिंदगी में सुना है इंसान जिससे प्यार करता है उसे कभी कोई दुख नहीं पहुंचाता, इसलिए मानो मैं तुम्हारी जिंदगी से जा रही हूं, मुझे माफ कर देना। मानव, ये तूने क्या किया, जो प्यार लोगों को जिंदगी भर नहीं मिलता
वो तूने ठुकरा दिया। प्राची, कल नशे में मैं तुमसे कुछ ज़्यादा ही उल्टा सीधा बोल गया, मुझे माफ़ कर दो। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे माफ़ कर दो और प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ और मेरी लाइफ में वापस आ जाओ पहले जैसे। आई रियली लव यू। प्राची, प्लीज़ तुम मेरी लाइफ में वापस आ जाओ, कभी ऐसा ना हो कि तुम मुझे खो दो।
मेरे लफ्ज थे, तेरी बात थी, मेरे ख्वाब थे, मुलाकात थी, मेरे लफ्ज थे, तेरी बात थी, मेरे ख्वाब थे, मुलाकात थी, जाना कहाँ तेरे सिवा, मंजिल तू ही रास्ता, फिर आई क्यों तू लौट कर, मुझसे मुँह मोड़ना था, एक प्यार था, इजहार था, दो लफ्ज थे, एक बात थी, तेरे प्यार का वो खुमार था, ओ मेरी जान, ओ मेरी जान, कौन है भाई? लगता है सुसाइड किया इसने। कौन है ये? कैसे गिरा ये? पहचान का तो नहीं है भाई? देख जिंदा है क्या? मानो तुमने ऐसा क्यों किया? मैं तो तुम्हें वहां बचाने के लिए आई थी, फिर तुमने अपनी जान क्यों दी? प्राची, इतना सोचने के बाद मुझे ये समझ आया कि इंसान पूरी जिंदगी भर कुछ ना कुछ मांगता ही रहता है। बचपन में अपने माँ बाप से, बड़े होने के बाद अपने भाई बहनों से, और स्कूल जाने पे अपने दोस्तों से, हमेशा कुछ ना कुछ मांगता ही रहता है। इंसान जब अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है तो वो अपनी लाइफ से बहुत डिमांड करने लगता है। भगवान से इतनी दुआओं के बाद जब उसको उसका साथी मिल जाता है जो कि उसने अपने सपनों में मांगा होता है, तो भगवान उसको उसका साथी दे देते हैं। तब फिर इंसान अपनी फिजिकल नीड पूरी करने के लिए उस प्यार को ठुकरा देता है। वही गलती मैंने की थी। तुम्हें इतने बुलाने के बाद भी जब तुम नहीं आई, तब मेरे पास एक ही रास्ता बचा था तुमसे मिलने का। मैंने तुम्हारी चाह में प्राची ये कदम उठाया। बाबू, जिस प्यार के लिए मैंने अपनी जिंदगी खो दी, जिस प्यार के लिए मैं जिंदगी भर भटकती रही, तुमसे मिलने के पहले मुझे पता ही नहीं था कि प्यार होता क्या है। प्यार का एहसास तो तब हुआ जब मैं तुमसे मिली। कितनी किस्मत वाली हूं मैं, जो प्यार इंसान को जीते जी नहीं मिलता वो मुझे मरने के बाद मिला है। मुझे तो पहले ऐसा लगता था कि प्यार सिर्फ एक इंसान से इंसान को होता है। एक दूसरे को देखना, छूना, साथ घूमना, बैठना, मुझे लगता था कि यही प्यार होता है। पर तुमने तो मेरे एहसास से प्यार किया है। तुम्हारे प्यार के बाद मुझे पता चला कि प्यार का कोई रूप नहीं होता। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन माय लाइफ, वरना मैं समझ ही नहीं पाती प्यार असल में होता क्या है। थैंक यू सो मच कि तुम मेरी जिंदगी में आए। आई लव यू मानो। आई लव यू टू प्राची।
साजना मिलन ये तेरा मेरा आज ये हो ही गया आ घर बनाए हम उस जमीन पे जहाँ पर बादलों की छत हो जहाँ हो चांद की दीवारें सपने हमारे और संग में ये सितारे कितने प्यारे क्यों हो जरा देखो